हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आज का थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि आज किस चीज़ पे वीडियो लेकर मैं आई हूँ। तो आज का ये सिंपल सा लुक मैंने कैसे किया है, चलिए दिखाती हूँ। ज़्यादा बातें ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ। आपके पास जो मॉइस्चराइज़र है आप वो लगाइए। अभी ठंड का मौसम है, हर फेस के लिए मॉइस्चराइज़र जाएगा। अपना प्राइमर लगा रही हूँ, जितने भी मेरे ओपन पोर्स हैं वहाँ वहाँ लगाऊंगी मैं, और अच्छे से वो कवर हो जाए इसलिए मैं उसको थोड़ी देर लगा के छोड़ूंगी और टैप टैप अच्छे तरीके से करूँगी। मेरा सेट हो चुका है प्राइमर। अब मैं पैनकेक लगा रही हूँ। आपके पास फाउंडेशन है आप फाउंडेशन लगाइए, बेबी क्रीम है बेबी क्रीम लगाइए, सीसी क्रीम है सीसी क्रीम, जिस ब्रांड की है आप लगा सकते हैं। मेरे पास ये है तो मैं ये लगा रही हूँ, इसी पे मेकअप कर रही हूँ मैं। अब मैं इसी को अपने आँखों पे भी लगाऊंगी कंसीलर जैसा, और उसको सेट करने के लिए मैं अपना लैक्मे का लूज पाउडर लगा रही हूँ। अब मैं अपना आईब्रो सेट करूँगी। ये जेल काजल है, जेल में है ये, तो काजल भी है ब्राउन कलर का, जिसे मैं सेट कर रही हूँ अपनी आईब्रो को। देखिए कितना नेचुरल सा दिख रहा है, ये बिल्कुल काला नहीं दिखता है, ब्राउन शेड में है ये। अब मैं अपने आईब्रो को सेट कर रही हूँ ताकि जो लगाई हूँ एक दूसरे में वो मिल जाए अच्छे से और दिखे। अब मैं अपना ब्लैक कलर का काजल लगा रही हूँ, अपने वाटर लाइन पे लगा रही हूँ। फिर उसी से अपना विंग, हल्का सा विंग निकालूंगी मैं उससे, और उसी को अच्छे तरीके से ऊपर भी लगाऊंगी। देखिए कितने अच्छे से लग रहा है वो। थोड़ा थोड़ा करके लगाते जाइएगा, एक बार में मत लगाइएगा। और उसके बाद अब मैं उसको अपने वाटर लाइन के नीचे भी लगाऊंगी। देखिए मेरा काजल अच्छे से लग गया है। तो कोई सा भी आप ब्लैक कलर का आई शेडो लेके, आप कोई सा भी है जो पैलेट हो आपके पास, उस पैलेट से आप ब्लैक कलर का शेडो लेके उस काजल के ऊपर अच्छे से फैला दीजिएगा, ताकि वो काजल सेट हो जाएगा, फिर इधर उधर वो नहीं फैलेगा, वो अच्छे तरीके से वो सेट हो जाएगा। फिर उसको अपने वाटर लाइन के नीचे भी लगाइएगा अच्छे से। उसी ब्लैक कलर के काजल को लेके हल्का सा सामने की तरफ विंग निकालूंगी। अब मैं अपने पैलेट में से ब्राउन शेड को लेके ऊपर लगाऊंगी उसको, अपनी आंखों के ऊपर ब्लैक कलर के ऊपर लगाऊंगी मैं अपने ब्राउन शेड को। अब मैं अपना व्हाइट कलर के अपने पैलेट में से शिमर को लेके लगाऊंगी। ये मेरा हाइलाइटर और शिमर दोनों इसमें हैं, कंटूर हाइलाइटर शिमर सब इसमें हैं, और ब्लशर भी है। तो सबसे पहले मैं ब्लशर को लगाऊंगी अपने, देखिए। अब मैं अपना शिमर लगाऊंगी इसी में से, जो मैंने अपने ब्राउ बोन्स पे लगाए थे उसी को मैं अपने शिमर के जैसे लगा रही हूँ। अब मैं अपने लैसेस को कर्ल कर रही हूँ मस्कारा लगाने के लिए। अब मैं मस्कारा लगा रही हूँ। आपके पास जो मस्कारा है जिस ब्रांड का है आप वो लगाइएगा। अब मैं अपनी लिपस्टिक को लगा रही हूँ। लिपस्टिक लगाने से पहले अच्छे तरीके से आउटलाइन बना लीजिएगा, ताकि अच्छे
अच्छे तरीके से वो अच्छे तरीके से वो लग पाए। अब बाहर ना निकले लिपस्टिक। अब मैं अपना सेटिंग स्प्रे लगा रही हूँ और थोड़ी देर मैं वेट करूँगी, उसके बाद मैं अच्छे तरीके से उसको सेट भी करूँगी, कहीं डॉट डॉट ना दिखने लगे और मेरा मेकअप ना उतर जाए इसलिए। और मैं अपने बाल को ठीक कर रही हूँ। कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा ये मेकअप मुझे बताइएगा। और ये मेकअप मैंने किया है, आप किसी भी पार्टी में कर सकते हैं ये मेकअप, बिल्कुल सिंपल सा है ये मेकअप। आपको कैसा लगा है ये मेकअप मुझे बताइएगा और मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स। अपनी फैमिली फ्रेंड्स और रिलेटिव में ज़रूर मुझे शेयर करिएगा। और ये मेरा फाइनल लुक है फ्रेंड्स। मैंने इस मेकअप पे पिंक कलर की साड़ी पहनी है, आप किसी भी कलर का साड़ी पहन सकते हैं, बहुत सुंदर ये मेकअप दिखता है। आप करके देखिएगा फ्रेंड्स, बहुत अच्छा दिखता है। थैंक यू फ्रेंड्स, आपने मेरी वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आएगा, उसको दबाइएगा और मेरी वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।